हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेशनिक चैनल पे। बच्चों, मैंने इसके पहले एसी सर्किट का एक शॉर्ट वीडियो डाला था, अभी वैसे देना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर व्यूज आते हैं, कुछ देख रहे तो फायदा है, नहीं देख रहे तो क्या, मैं अपलोड करने से फायदा नहीं है। मैं ज्यादा नहीं, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर करके दूंगा, कैसे ट्रिक्स होती है, क्या होती है, हर चीज पे बात करने वाला हूं। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को उठा रहे बच्चों, तो फटाफट ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि अपने 300 के होने जा रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ाने से बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। तो चलिए, पहले ही दो लॉ है बच्चों, केसीएल एंड केवीएल, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, वो लॉ है बच्चों, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब समझा देते हैं, टेंशन मत लो, धीमे धीमे हर चीज होगी। तो यहां पर एक जंक्शन है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, देखा होगा आपने, उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट आता है, वहां से एक लाइट को, एक फैन को, एसी को कनेक्शन, ये बोर्ड के कनेक्शन जा रहा है, कंप्यूटर को कनेक्शन जा रहा है। वैसे जो अंदर करंट आता है बच्चों, उसको प्लस साइन लिखते हैं। तो I1 अंदर आ रहा है, I2 बाहर जा रहा है, I3 अंदर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 भी, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपके बुक का ही लिखे, ठीक है। और ये पी जंक्शन है, जो करंट अंदर आ रहे हैं उसको ऐड करो, मतलब प्लस लिखना है साइन, I1 प्लस है, I2 बाहर जा रहा है माइनस, देखो जेब में पैसा आए तो प्लस, बाहर जाए तो खर्चा, है ना। वैसे तो I3 प्लस बच्चों अंदर आ रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 अंदर है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। चलिए तो I1 प्लस I3 प्लस I5, जो माइनस है इधर लिख के जाओ, प्लस हो जाएंगे I2 I4। ये कौन है बच्चों, ये टूवर्ड द जंक्शन वाले है, टूवर्ड जंक्शन वाला करंट है। और ये कौन है बेटा, लिविंग द जंक्शन है, ये बाहर है, लिविंग द जंक्शन वाला। ध्यान रखना बच्चों, इसके ऊपर आता है क्वेश्चंस, क्या ये किसको कंजर्वेशन करता है, तो ये करंट को कंजर्वेशन कर रहा है। किसको कर रहा है बच्चों, करंट को। क्यों, करंट मतलब चार्ज को सारे, क्योंकि करंट अंदर आना बाहर जाना, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जा रहा है, इसका मतलब जितना अंदर आया इक्वल टू मतलब उतना ही लिविंग कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये चार्ज को कंजर्वेशन कर रहा है। अभी केवीएल लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, यही लॉ है बच्चों। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ करंट टू रेजिस्टेंस और कौन है, ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे इसी को लूप्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये लॉ के नाम से। तो हम लोगों को क्या बच्चों, लूप कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, वो नॉलेज लेना है आप लोगों को, नॉलेज है बच्चों आपको, यहां पे नॉलेज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका करंट पता है, कहां से कहां जाता है बच्चों, करंट करंट कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब ए से बी जा रहा है, मतलब ए पे हायर, बी पे लोअर है, और मेरी पाथ है, समझिए, समझे, मैं भी कहां से जा रहा हूं, हाई, ए हाई है ना, करंट हाई से लो जाता है, हाई से लो जा रहा हूं, इसलिए लो लिखना है, मतलब माइनस। यहां करंट है बच्चों आई और रेजिस्टेंस आर है, तो इस यहां पे आई इंटू आर। दूसरी बात, ट्रिक्स बताता हूं, सेम डायरेक्शन हो करंट का और पाथ का तो माइनस साइन आता है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं और ट्रिक्स भी बता रहा हूं। दूसरा है, करंट सबको पता है कि ए से बी जा रहा है, मतलब हाई टू लो जा रहा है, तो पाथ जो बच्चों, अगर मेरी पाथ अभी इस डायरेक्शन में, मतलब ये लो था, लो से मैं कहां जा रहा हूं, हाई की तरफ, क्योंकि ए हाई क्यों है, हाई से लो जाता है करंट, तो इसीलिए हाई तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन रहा तो आई इंटू आर, ठीक है। ईएमएफ का ही वैसे ही बच्चों, अगर ईएमएफ में हम हाई से लो जा रहे, देखो ए से बी जा रहा हूं, तो लो मतलब ई होगा, है ना, या हायर लोअर, पता है ना आपको, दूसरा ये हायर ये लोअर है, लेकिन मैं लो से हाई के तरफ जा रहा हूं, ये ए है ये बी है, तो बच्चों यहां पे प्लस ई आएगा, समझ में आ रहा है। वैसे ही कुछ लूप्स लॉ लगाने वाला हूं, थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करते हैं, लूप लेते हैं, यहां पे कोई भी ले सकते हैं, ए बी ई एफ जी लेता हूं, लूप ए बी एफ जी, ठीक है। अब देखते हैं, लूप मतलब पूरे जहां से गए थे वहां पे वापस आना पड़ता है, मतलब ए से गए थे तो ए पे वापस आओ, कैसे भी जा सकते, ए बी सी डी या जी ए ले सकते हो, मैं छोटा सा लूप ले रहा हूं, इसको लूप कहते हैं, ठीक है ना। चलिए,
ए से बी जाओ तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखो डायरेक्शन सेम है तो भैया निगेटिव करंट है बेटा यहां पे I1, रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। अब ए से बी गए, बी से यफ जाओ सर, बी से यफ जाओ, देखो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, माइनस करंट है मेरे पास, रेजिस्टेंस है R5, समझ में आ रहा है। बाद में यफ से जी जाओ, यफ से जी जाओ, दोनों का डायरेक्शन सेम करंट का और पाथ का, तो यहां पर माइनस ही डायरेक्शन आएगा, करंट है आई वन, रेजिस्टेंस है आर, समझे आप। बाद में यफ से ए जाओ तो ये है, तो ये पॉजिटिव, ओके ये ई वन है, इज इक्वल टू जीरो है, समझे, पॉजिटिव क्यों, हायर टू लो, लोअर टू हायर, सॉरी, समझ में आ रहा है आपको। यहां पे अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई वन को पहले आई वन कॉमन निकाल सकता हूं बेटा, बचा मेरे पास आर वन प्लस आर थ्री, समझ में आ रहा है, I1 कॉमन निकाला, I1 R1 देखो ये माइनस प्लस माइनस I1 R3, और ये माइनस R जहां से गए थे वहां वापस आया तो इक्वल टू जीरो लिखना, A पे दोबारा वापस आया था, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं, यही लूप्स लॉ है बच्चों। लूप्स लॉ में सिंपल, जहां करंट और रेजिस्टेंस आ जाए I इंटू R इस्तेमाल करें, डायरेक्शन सेम हो तो निगेटिव साइंस, अपोजिट रहा तो प्लस साइन। वैसे लूप आपके लिए होमवर्क है बच्चों, लूप है आपके लिए, इसका नाम देता हूं बी सी डी एफ बी, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज या अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में काम आता है बच्चों, ठीक है। यहां पे मैंने की लगा दी, की लगाने से करंट, यहां पे फेकोलॉजी आनी चाहिए, बच्चे बोलते हैं थ्योरी क्या लिखी, थ्योरी सिंपल लिख सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं ए टर्मिनल हायर पोटेंशियल, बी सी टर्मिनल कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द की, है ना, बी एंड डी इज द सेम पोटेंशियल, क्योंकि बैलेंस कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, ये बी और डी दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट नहीं फ्लो होगा, थोड़ा सा बताना पड़ता, फेकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। करंट निकल गया था बच्चों आई, तो ये होगा आई वन प्लस आई टू, आई करंट आया, स्प्लिट हो गया करंट, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, कोई टेंशन तो नहीं है। यहां से आई आया तो कुछ करंट आई जी में जा रहा है, तो आई माइनस आई जी होगा ये, यहां से जो करंट जा रहा है, यहां आई टू आ गया, ऊपर से आई जी आ गया, ऐड हो गया, ठीक है, पी क्यू आर यस एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही सिंपल और धीमे धीमे लेता हूं, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वन शॉट चालू है, वन शॉट भी आप लोग देख सकते हो, वन शॉट में रात में जरूर आना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं इसमें। अब क्या कर सकता हूं इसमें मैं, तो फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, लूप्स लॉ इस्तेमाल करें, लूप्स है ना, है यहां पे इसका नाम दिया वाला है बच्चों ए बी डी ए, दिख रहा है बच्चों, ओके कोई टेंशन है, तो चलिए यहां पे ए से बी जाओ, यहां से ए से बी, दोनों का पाथ का डायरेक्शन सेम, करंट है बच्चों आई वन बी, बाद में बी से डी जाओ सर, बी से डी जाओ, देखो दोनों का करंट का और पाथ का डायरेक्शन सेम, माइनस आई जी, इसका रेजिस्टेंस जी है ग्लानोमीटर का, ठीक है, डी से ए आओ तो यहां अपोजिट डायरेक्शन है करंट का और इसका, तो प्लस आई टू रेजिस्टेंस यस, वापिस जहां आ गए जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन तो रही है। यहां पे बच्चों इस इक्वेशंस को ऐसे ही रहने दे, इक्वेशन वन, दूसरा एक लूप है बेटा, इसका नाम है बी सी डी बी, दिख रहा है, बी से सी जाओ, यहां पे देखो बी से सी, दोनों का पाथ सेम करंट का और पाथ का, तो माइनस I1 IG, रेजिस्टेंस क्या है बच्चा यहां पे Q है ना, नेक्स्ट C से D जाओ, C से D जाओ बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन, प्लस करंट है मेरे पास I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस है, ठीक है, नेक्स्ट D से B जाओ, या अपोजिट डायरेक्शन देखो करंट का इसका, तो प्लस होगा IG into G is equal to zero, इक्वेशन दो है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक बैलेंस कंडीशन होने के नाते आई जी जीरो रखा है, ठीक है, व्हाई, बिकॉज द हमारे पास कौन सी है, बैलेंस कंडीशन होने के कारण। चलो ये इक्वेशंस को लिखता हूं बच्चों, माइनस आई वन पी, ये तो जीरो हो गया, प्लस आई टू यस है, समझ रहे हो, इज इक्वल टू जीरो था, तो माइनस आई वन पी, इसको इधर लेता हूं, माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, इस इक्वेशन को थ्री बोलते हैं, इस इक्वेशंस को थ्री बोलते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसको देखते हैं, इसको
इसको पहले आई जी जीरो करो, तो माइनस आई वन क्यू दिख रहा है, ये तो जीरो है ना, प्लस ये आई टू आर, सर आई जी जीरो है ना, यहाँ आई जी जीरो, ये भी जीरो, इक्वल टू जीरो, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस आई वन क्यू, ये माइनस आई टू आर, इक्वेशन चार, माइनस माइनस प्लस। मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, थ्री बाय फोर करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, इक्वेशन थ्री बाय फोर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास थ्री है आई वन पी, और इधर है बेटा आई वन क्यू, कोई टेंशन है, इक्वल टू दिख रहा है दिस बाय दिस। यहां पे आई टू यस डिवाइडेड बाय आई टू आर, कोई टेंशन है, चलो सेम वाले टर्म यहां पे कट होने वाले हैं, आई वन आई टू कैंसल, तो ये P by Q, यस बाय R, कोई टेंशन, इसमें से कोई भी अननोन रजिस्टर डिटरमाइन कर सकते, P, यस, Q, R, कोई भी कर सकते, ठीक है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। अब इसी का एप्लीकेशन है बेटा मीटर ब्रिज, यहाँ पे एक स्केल होती है, ये रजिस्टर बॉक्स होता है, एक ग्लाना मीटर, ये सब चीजें जो है अपने पास शायद है, तो मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को ये कैसी कैसी चीज़ें होती है और कैसी नहीं। देखते हैं बच्चों, रजिस्टर बॉक्स इस तरीके से होता है, ये रोहोस्टैट जो लिखा है ये होता है ये, ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको ग्लाना मीटर इस तरीके से होता है यहाँ पे जो लगाया वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो फील आता होगा कि यहाँ हमारे पास जो पहले था ना, ये देखो ये ऐसा पी है ना, Q, ये है ना, R, यस, ऐसा फील हो रहा है ना, देखो ना ये P है, ये Q है, ये लेंथ एक रेजिस्टेंस है बेटा, लेंथ एक रेजिस्टेंस है, ये भी लेंथ एक रेजिस्टेंस है, टोटल 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, ऐसे लिख सकते हैं AB इज अ होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू द कैसे बैटरी की एंड रोस्टर सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, बोल सकते हैं ये स्ट्रिप है बेटा, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं और इसको C3 स्ट्रिप। पहले लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाया, दूसरे में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जो राइट गैप में है, C3 को हमने एक ग्लाइनोमीटर कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को जॉकी कनेक्ट किया, यही लिखना है, हाँ जी यही लिखना है। चलिए तो हमारे पास यक्स बाय आर, देखो पहले जैसे ही लिख रहा हूं, बस रेजिस्टेंस ऑफ AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ BD लिखता, बात समझ में आ रही बच्चों, वैसे ही ना, देखो ये P बाय क्यू यस बार, अभी अभी लिखा मैंने, सेम लिखा है सेम, ये रेजिस्टेंस होता है ना वायर का भी, इसका भी वायर का रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता बेटा लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, हम लोग AD का ले रहे तो AD लिखना पड़ेगा सर, यहां पे भी AD, और रेजिस्टेंस ऑफ BD का लिख रहा हूं तो रो L BD डिवाइड बाय A, बात समझ में आ रही है सर, रो और A अलग क्यों नहीं लिख रहे हो, सेम क्यों लिख रहा है, यहां रो A A क्यों, क्योंकि ये वायर एक ही मटेरियल से बनी, होमोजीनियस मतलब कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, ऐसी ही बनी है, इसका मतलब ये है, और एरिया भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बना है, इसलिए तो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं बच्चों, यहां पे इक्वेशन वन में पुट करते हैं, पुट इक्वेशन वन, चलिए यक्स बाय आर इज इक्वल टू रो यल AD डिवाइड बाय A, यहां पे भी रो यल BD डिवाइड बाय A, ठीक है, तो मुझे लगता है रो A कैंसल, यक्स अपॉन R, और लेंथ ऑफ AD की है LX मानी हमने, क्या मानी बच्चा LX और ये LR, चलिए आगे बढ़ता हूं धीमे धीमे, तो यक्स इज इक्वल टू आर, यहां पे LX अपॉन LR, यही है अननोन रेजिस्टेंस निकालने की मेथड, या कभी कभी ऐसे 100 सेंटीमीटर होता है LX LR होता है ना, अगर मुझे LR के फॉर्म में रखना है तो आपको पता है 100 ये इधर आए तो माइनस होगा बच्चों, और वैल्यू पुट अप कर रहा हूं R, यहां पे LX अपॉन 100 माइनस LX,
क्या आप समझ पा रहे बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ऐसे भी। एक ही फार्मूला, ये हो गया मीटर बिजली। नेक्स्ट बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये दो सेल को कंपेयर कर सकता, ईएमएफ मेजर कर सकता और इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने में काम आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है इस पे, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करना है। अब मुझे बताओ इसमें से करंट कितना जाएगा, तो ई ये R प्लस R। मैं बता देता हूं जिनको नहीं समझा, ओम मसला नाम सुना है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर नाम सुना है, तो I क्या होगा बेटा V बाय R, ठीक है। ये दो टर्मिनल के बीच का करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिनना है तो बच्चों यहां पे EMF E लिखते हैं, I रेजिस्टेंस बाहर का इस वायर का और अंदर का भी गिनते हैं, तो इसलिए I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R लिखा है। शायद आप लोगों को समझा होगा, उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है। मुझे AB के अक्रॉस में कितना ड्रॉप वोल्टेज होगा, ये वायर है बेटा, एक मीटर दो मीटर तीन मीटर, ऐसे दो से दस मीटर तक वायर ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, VAB लिखना पड़ेगा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ देखना अभी, ड्रॉप वोल्टेज कितना हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिनते इसमें। तो VAB करंट की वैल्यू मुझे पता है, E कैपिटल R स्मॉल R इंटू R। मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालना है मुझे, है ना। तो पोटेंशियल AB डिवाइड बाय लेंथ, टोटल लेंथ AB के अक्रॉस, तो ER डिवाइड बाय L R प्लस स्मॉल R। क्या समझ रहे हो बच्चों? बच्चों इसी को VAB, ये कांस्टेंट होगा ना भैया, AB के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज है वो ड्रॉप होने वाला कांस्टेंट होगा, है ना, फिक्स होगा ये तो, क्योंकि हमको फिक्स लेंथ पता है ना बच्चों। इसी को तो VAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ भी लिख सकता हूं मैं, जितनी लेंथ ज्यादा उतनी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, लेकिन ए बी फिक्स है इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट लिखा था वहां पे। लेकिन हम लोग, हम इसको ऐसा ना लिखते हुए हमारे पास एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो सी है, पता नहीं है, जैसी लेंथ बढ़ेगी वैसी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, मतलब ये है बच्चों, अभी वी ए सी के अक्रॉस कॉन्स्टेंट ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये पता नहीं ना मुझे सी कहां तक है। तो वी ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ते रहता है। जैसा रोड बढ़ ज्यादा लंबा हो गया उतने ज्यादा प्रॉब्लम है ना, रेजिस्टेंस ही होता है वो, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप वोल्टेज होता है। तो ये वी ए सी एक कॉन्स्टेंट टर्म लिखी बच्चों, के और ये एल है, समझ में आया होगा, यही काम आने वाला है अगले इसमें। सिंपल है, दो सेल को कंपेयर करना, दो सेल को क्या करना कंपेयर। मैंने क्या किया, ए टर्मिनल को कनेक्ट किया हायर पोटेंशियल, है ना, बी को लोअर पोटेंशियल थ्रू द की एंड रियोस्टेट, ए वायर को अदर टर्मिनल कनेक्ट कर दिए बच्चों सेल के पॉजिटिव, और दो की लगाई। हमने क्या किया, ये डी पॉइंट है बच्चों, ये जॉकी है। मैंने क्या किया, के वन को कनेक्ट किया, पहले तो ये के कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो ही ए बी में से करंट फ्लो होगा। मैंने जैसे कनेक्ट किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टच करके देखा जॉकी को, तो मुझे यहां ग्लोनोमीटर पर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा। इसका मतलब ए और डी के ये जो पॉइंट है बच्चों, ए डी जो भी लेंथ होगी डेढ़ मीटर 1.2 मीटर, इसके अक्रॉस में ड्रॉप ऑफ होती इस सेल के बराबर दिखा, क्योंकि करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब यहां पे क्या होगा, इसका मतलब एडी के अक्रॉस में ड्रॉप, यहां पे बैटरी ध्यान रखना, ये बैटरी बड़ी है एक्चुअली, ये बैटरी ऐसी नहीं, ऐसी लिखनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिखना चाहिए, बुक्स में नहीं लिखा लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये सेल समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास टू होल्ड का है, तो एडी के अक्रॉस में भी टू होल्ड ड्रॉप होता होगा। पहले देखो, पहले कम होता होगा, जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ता है। तो मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ समझो, पहले 0.2 0.5 0.9, है ना, ऐसे करते 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 डेढ़ दो बराबर यहाँ ड्रॉप होता होगा, ये दो ये दो। अब दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम, तो करंट फ्लो होता है क्या, करंट कब फ्लो होता है, हायर टू लोअर। तो इसका मतलब जब K1 क्लोज किया एट दिस टाइम्स, E1 सेल यहाँ पे L1 लेंथ मान रहा हूँ जहाँ ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिल रहा है डी पे, है ना, और K इज द कॉन्स्टेंट बेटा, ये इक्वेशन वन है। K को ओपन करना, लिखना K2 इज क्लोज दैट टाइम्स E2 सेल इन अ सर्किट। तभी मैंने देखा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच करके देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ ड्रॉप वोल्टेज मिला है, ये जॉकी है,
तो बच्चों इसको ई टू सेल आ गया, कितना सिंपल है देखो, के ई एल टू इक्वेशन टू, दोनों को डिवाइड करते बच्चों, एल एल कैंसिल, तो दो सेल को कंपेयर करने का फार्मूला यही है बेटा, दो सेल को कंपेयर करना है तो समझे। अभी सम एंड डिफरेंस मेथड, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्या होता देख लेना अभी, ठीक है। हमने क्या किया, केक क्लोज किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बेटा, करंट फ्लो होगा ए बी में से। मैंने सबसे पहले ध्यान रखना, पहले सेल का ई एम एफ ई वन है, दूसरे का ई टू है, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, या पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ हो तब सम होता है, लेकिन निगेटिव निगेटिव कनेक्ट है तो माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है तो माइनस। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, हम मान लेते कि ई वन ग्रेटर दैन ई टू है तभी यह होगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, के वन क्लोज कर दिया बच्चों, ठीक है, के वन क्लोज कर दिया और बाद में के थ्री को क्लोज कर दिया। क्या लग रहा है देखो, इसका हायर लोअर पोटेंशियल पहले दूसरे के हायर पोटेंशियल को कनेक्ट है, लोअर हायर के साथ कनेक्ट है, मतलब ये कंडीशन दिख रही है, ये लोअर है और ये हायर, कनेक्ट हो गया। तो यहां पे E1 प्लस E2 कनेक्ट कर दिया मैंने, ओके। और मैंने देखा डिफरेंट 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 पॉइंट पे टच करके देखा तो मुझे डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन दिखा ग्लोनोमीटर। इसका मतलब ये है बच्चों, ये दोनों की सम है, मतलब सम मतलब ये है समझो 1.2 और ये 1.8 है, तो 3 वोल्ट मिला समझो दोनों की सम। तो इसका मतलब एडी के अक्रॉस में 3 वोल्टेज इतना ड्रॉप होता होगा, क्योंकि यहां 3 वोल्टेज मिला ऐसे ड्रॉप होते हुए, और यहां इसीलिए बैलेंस हो गया, क्योंकि करंट तो हायर टू लोअर होता है इसलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। तो बच्चों इसको लिख सकता हूं के, और इसकी लेंथ ड्रॉप मिली है L1 एडी के अक्रॉस, बस समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग यहां पर। अभी काम करता हूं, के फोर को कनेक्ट करता हूं और के टू को कनेक्ट करता हूं, ये लोअर है तो ये भी लोअर कनेक्ट है, मतलब लोअर टू लोअर है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों। और डिफ्लेक्शन देखा हमने इस ग्लोनोमीटर से, तो कुछ यहां मिला डी डैश पे मिला, तो लेंथ एल टू होगी कुछ, तो यहां ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू के एल टू, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। चलो डिवाइड करो, के कैंसिल बच्चों, तो ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। एक कॉम्पोनेंट डिवाइड इनटू रूल्स होता है, जिसमें क्या करते हैं बच्चों, E1 प्लस E2 न्यूमोनेटर ऐड करते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, समझ रहे हो, न्यूमोनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया। देखो अभी न्यूमोनेटर ही लिखना है बच्चे, यहां गलती करते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमोनेटर ऐड करते हैं, नहीं नहीं न्यूमोनेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस होगा ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन चेंज होते। देखो यहां पे न्यूमोनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना कर दिया, अब न्यूमोनेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना, न्यूमोनेटर में ही करना, बच्चे क्या करते हैं डिनोमिनेटर में न्यूमोनेटर सब्ट्रैक्ट करते, नहीं गलत है, न्यूमोनेटर में ही ऐड करना है, न्यूमोनेटर में ही माइनस करना। चलिए E2 कैंसिल बच्चों, E1 कैंसिल, ये हो गया 2E1 2E2, यहां L1 प्लस L2 L1 माइनस L2 2 गेट बी कैंसिल, E1 अपॉन E2 L1 प्लस L2 और ये L1 माइनस L2, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ रहा है। सम एंड डिफरेंस मेथड कहते हैं बच्चों इसको। सेम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये पोटेंशियोमीटर के ही एप्लीकेशन है। ए बी वायर, ए कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल, बी कनेक्ट किया लोअर रिओस्टाइट की, और एक टर्मिनल लगाना यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब कुछ दिया है मैंने, ये डी पॉइंट है बेटा। पहले के क्लोज करो, इसको क्लोज नहीं है मान लेते, क्लोज नहीं है ठीक है, कि के वन क्लोज नहीं है। तो बच्चों इसके अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल है हमारे पास उसको निकालना है बच्चों हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने की ये क्लोज किए, ये ओपन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच करके देखा है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास पहले जो मिला है E1 इज इक्वल टू के L1, बात समझ में आ रही, के L1 ये मिला है फार्मूला, ठीक है। और बाद में की क्लोज करने के बाद V इज इक्वल टू के L2 बोलते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, समझ रहे हो, ओके बच्चों। पहले की विदाउट ओपन, मतलब ओपन थी, तब क्लोज करने के बाद यहाँ ड्रॉप ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू आर, वो ये है
रजिस्टर बॉक्स है जो मैंने दिखाया था आपको, डिवाइड करते बच्चों, के से कैंसिल हो गया, E1 बाय V, यहाँ पे L1 अपॉन L2, इक्वेशन 3। अभी हम लोगों को लूप लॉ इस्तेमाल करेंगे बच्चों, लूप, क्रिचॉक्स लॉ पता है ना, लूप, क्या नाम है यहाँ पे, PQSTP, ध्यान रखना। देखो बच्चों, यहाँ करंट ऐसा फ्लो होगा, सर क्यों, हायर पोटेंशियल लोअर जाता है, यहाँ करंट आए, करंट आई ही लिखना क्योंकि सीरीज में करंट है डायरेक्ट, तो मैं जा रहा हूं पी से क्यू, पहले तो ईएमएफ है, हायर से लोअर माइनस, बाद में करंट का अपोजिट डायरेक्शन है तो आई इंटू आर, है ना, पी से क्यू जा रहा था, क्यू से यस कुछ भी नहीं है, यस से टी जब जाऊंगा तब ये आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस करंट मल्टीप्लाई रजिस्टेंस की को लगता नहीं इज इक्वल टू ये, क्योंकि दोबारा पी पे आ रहा हूं, दोबारा जिनको नहीं समझा देखो, हायर से लोअर जा रहा था इसलिए माइनस ही, ये करंट इधर जा रहा है, मेरी पाथ ऐसे अपोजिट है तो प्लस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस आई इंटू आर, यहाँ कुछ भी नहीं है, यस से टी जब जा रहा था तब रेजिस्टेंस था अपोजिट डायरेक्शन, आई आर इज इक्वल टू जीरो, समझे। अभी ये इसको इधर ही लगता हूँ बच्चों, तो इधर मानो कि ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ करंट, यहाँ पे स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, इक्वेशन 4th है। और ओम्स लॉ के हिसाब से क्या ड्रॉप होता है, V इज इक्वल टू आई इन टू आर, इक्वेशन 5। मुझे लगता है इसको भी डिवाइड कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको, अभी आई से आई को चला गया बेटा, ई बाय वी, इसको ई वन बाय वी बोलो, बचा है अपने पास कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा करता हूँ डिवाइड बाय आर, ई बाय वी की वैल्यू मुझे पता है, इसको पुटअप करता हूँ, ठीक है, तो ये होगा बेटा एल वन अपॉन एल टू, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, आर आर जा वन, तो ये एल वन अपॉन एल टू, इस दर लाया तो माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इधर आएगा तो ऐसा बनेगा एल वन अपॉन एल टू माइनस वन ई आर, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एल वन माइनस एल टू डिवाइड बाई एल टू, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिया बच्चों हमने, ओके। चलिए ग्लानोमीटर बच्चों, एक ऐसा ग्लानोमीटर आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये जो ग्लानोमीटर है ऐसा होता है, अब इसकी पढ़ाई इसलिए नहीं करें क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल नाम सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट डिटेलमेंट स्टडी है, ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है, और ये एक ऐसी चीज है, दूध कैसे होता है दूध घर में लाने से आप क्या क्या बना सकते हो, दूध लाने से हम लोग दूध पी सकते, बाद में चाय बना सकते, बाद में मिठाई बना सकते, दही बना सकते, घी बना सकते हैं, लोनी बना सकते, कितना 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 चीज़ें बना सकते हैं, वैसे एक ग्लानोमीटर है, वैसे उस ग्लानोमीटर से हम लोगों को काम करना है, क्या अमीटर और वोल्टमीटर बनाना है। तो अमीटर क्या होता है बच्चों, अमीटर ये सही में ग्लानोमीटर ऐसा ही दिखता है लेकिन ये अमीटर है, ये अमीटर जब करंट मेजर करना है कोई सर्किट का तो सीधी बात नो बकवास, हम लोग इसको क्या करते हैं सीरीज में लगाते, सर्किट के सीरीज में, लेकिन हमको ग्लानोमीटर एज एन अमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं पैरेलल लगाते हैं, ये डिवाइस सीरीज में लगाते, डिवाइस सर्किट के सीरीज में, गफला मत करना, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, 20 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ यही देखा है मैंने, तो क्या होता है ये ग्लानोमीटर, मतलब दिखाने को ऐसे दिखाते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये ग्लानोमीटर है। अब ये ग्लानोमीटर से अमीटर बना रहा हूं मैं, तो बच्चा अमीटर ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, अब करंट ज्यादा फ्लो हो तो ही मेजर करेगा, नहीं तो कुछ करंट खा लिया तो फायदा नहीं ना भाई, समझे ना, तो करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा ताकि ज्यादा करंट फ्लो हो, और ये ग्लानोमीटर के अंदर भी वायर वाउंड करते, वायर बढ़ गई तो लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मुझे रेजिस्टेंस कम करना है तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बच्चों पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते, पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने से किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है, और वो भी कम रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल सेंट रेजिस्टेंस, स्मॉल क्यों, ज्यादा करंट फ्लो हो जाए, बात समझ में आ रही है, तो मेरे पास करंट आ रहा था इधर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लगाना है तो आई करंट आ रहा था, आई जी करंट ग्लानोमीटर से फ्लो हो रहा है और सेंट रेजिस्टेंस से आई एस करंट फ्लो हो रहा है, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है बच्चों ठीक है।
अभी ध्यान रखने वाली चीज है कि ये पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यहां पे जी और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके सेंड रजिस्टर। और ध्यान रखना आई ये करंट जो है बेटा ये आई प्लस आई जी प्लस आई एस है। चलिए सर इसके अंदर करंट है आई जी और ये जी आई एस रेजिस्टेंस है यस। लेकिन सर क्या आई एस में निकाल सकता हूं? हाँ ये आई इधर गया तो माइनस होगा आई जी बेटा और मैं डाल रहा हूं यहां पे आई जी ये जी आई एस है बेटा आई माइनस आई एस इंटू जी एस तो यस इज इक्वल टू आई जी ये आई माइनस आई जी और ये जी है। तो सेंड रेजिस्टेंस में अगर गिनना है तो आपको ये गिनना पड़ेगा आई माइनस आई जी इंटू जी। एक बात ध्यान रखना बच्चों आई करंट ये एन टाइम्स ऑफ आई जी। क्यों बेटा? हमारा मकसद है करंट ज्यादा से ज्यादा यहां फ्लो हो जाए सेंड रेजिस्टेंस में। क्यों? ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो इसमें वायर होती है, वायर डैमेज हो सकती है, जल सकती है, हीट बढ़ने से मेल्ट हो सकती है। तो ये करंट बहुत कम है तो इसके कितने गुना हो सकता है कि आई करंट सर मेरे पास 10 मिली एम्पियर हो और आई जी करंट हो सकता है मेरे पास 2 मिली एम्पियर हो। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? आई इज इक्वल टू एन आई, 5 गुना ज्यादा है इसलिए लिखा मैंने। अगर इसका एक और भी फार्मूला बनाना चाहते हो तो बना सकते हो बच्चों। देखो आई जी यहां पे आई जी एन आई जी और ये जी है तो इसका और एक फार्मूला बना सकता हूं यस इज इक्वल टू आई जी यहां पे आई जी ये एन माइनस वन इंटू जी आई जी आई जी गेट भी कैंसिल तो एक फार्मूला जी यहां पे सॉरी आई जी कैंसिल ही हो रहा है तो हमारे पास यहां पे एन माइनस वन ये फार्मूला बन रहा है एन माइनस वन ये फार्मूला बनेगा। अगर आपको यही फार्मूले में ये जो फार्मूला दिख रहा है बच्चों एक नंबर का इसी को उठा के मैं ऐसे भी डाल सकता हूं अगर करंट निकालना जैसे सेंड रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए वो निकाल सकते वैसे करंट भी सेंड में से कितना फ्लो हो तो यहां पे लिख सकता हूं बच्चों मैं आई माइनस आई एस आई जी जैसे आई एस निकाला वैसे आई जी भी निकाल सकता हूं। तो आई जी की वैल्यू मेरे पास देखो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं आई माइनस आई एस इंटू जी ये आई एस इंटू एस मल्टीप्लीकेशन आई जी ये आई एस इंटू जी ये आई एस इंटू एस तो ये आई जी मुझे लगता है इसको इधर लेके जाते हैं तो ये आई एस कॉमन निकाल के जी प्लस एस निकाल सकता हूँ। मुझे आई एस निकालना है बच्चों आई एस तो ये जी प्लस एस इंटू आई या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं आई एस अपॉन आई है ना ये डिवाइड जाएगा बेटा आपके बुक्स में ऐसा भी दिया होगा तो भी सही है। तो ये सेंड रजिस्टर में से इतना करंट होता है फ्लो ये दिखाने के लिए ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये अमीटर सर्किट के घर में जो सर्किट होते हैं इसके सीरीज में लेकिन ग्रैनोमीटर टू अमीटर बनाओगे तब सेंड रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। क्यों? इसको डैमेज होने के लिए बचाएगा एक बॉडीगार्ड जैसे काम कर रहा है और ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है रेजिस्टेंस कम कर सकता है सर्किट में। वैसे ही बच्चों ग्रैनोमीटर एज अ होल्ड मीटर बोल के बनाएंगे हम लोग अभी ये होल्ड मीटर ठीक है ग्रैनोमीटर एज अ होल्ड मीटर। अब वोल्ट मीटर में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ाना है बच्चों ये ग्रैनोमीटर है इसका ड्रॉप वोल्टेज होगा यहां कुछ मुझे और बढ़ाना है तो सर ऐसा रेजिस्टेंस लगा कि बहुत बड़ा हो रेजिस्टेंस जितना बड़ा उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ा। तो बच्चों इसीलिए यहां से जो करंट निकला था वो आईजी है तो इसमें से भी आईजी है। यहां से कुछ ऐसे लगाया होगा ना इसे कुछ बैटरी गैटरी तो लगाया होगा आपको भी पता है तो इसके अक्रॉस में जो ग्लानोमीटर के अक्रॉस में जो ड्रॉप होते हैं इसको वीजी कहते हैं और इसके वीएक्स बोलेंगे। मैंने वी दिया था तो कैसे करोगे वी इज इक्वल टू वीजी जो ड्रॉप मतलब जो डिफरेंस है उसी को तो ऐड कर सकता हूं ना ये ही इसका करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस करंट ही आईजी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस यहां भी करंट आईजी ही और ये एक्स है एक्स रेजिस्टेंस है ना बेटा पहले का जी है दूसरे का एक्स है तो वी आई जी को कॉमन निकाला बचा है मेरे पास जी प्लस एक्स तो वी बाय आई जी जी प्लस एक्स मुझे एक्स निकालना है तो कैसे करोगे
या माइनस होगा, हो गया बेटा ग्लानोमीटर का जो सॉरी वोल्टमीटर का अननोन रेजिस्टेंस, और ये हाई रेजिस्टेंस लगाना है, क्यों? क्योंकि बेटा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होता है, ये सबको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों कुछ, है ना? और यक्स का और एक फार्मूला लिख के देता हूँ, जी मैंने जैसे एन वी माइनस वन, तो ये भी एक फार्मूला होगा। ऐसा चैप्टर खत्म किया, अगर आपको चाहिए तो शेयर करो यार, ज्यादा व्यूज आना चाहिए तो मजा आता है, तो और कंटिन्यू दो दो लेक्चर दूंगा मैं आपको। चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।